इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं। नाम है इनका गोल्डन दास, लेकिन काम इनका आयरन मैन वाला होता है। हर थाना जाते हैं, जहाँ जहाँ दलित समाज वंचित समाज के साथ कोई घटनाएं होती है तो वो वहाँ पहुँचते हैं और फ्रंट पे न्याय के लिए लड़ते हैं। थाना में ताला मारना इनका विशेष काम है और न्याय छीन के लेते हैं। अभी ये दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में इन्होंने SC ST आयोग में भी ताला बंद करके इतिहास रचा है। क्या कुछ हुआ दिल्ली में, उस पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ में कौन है गोल्डन दास, कब से पॉलिटिक्स में है या कब से इस तरह की संघर्षों में है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका, दैनिक रिवीजन न्यूज चैनल का और जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय हिंद। नाम गोल्डन दास, काम आयरन मैन वाला, अभी सबसे अधिक यूट्यूब पे सर्च किए जाने वाले इंसान में से आप हैं। क्या मंशा है, कब से पॉलिटिक्स में आए, इतनी ताकत कहाँ से आती है? हम कभी पॉलिटिक्स में आए ही नहीं हैं और ना ही कभी हम पॉलिटिक्स में थे, ना ही हमको पॉलिटिक्स से कोई वैसा इंटरेस्ट रहा है। और बात रहा कि समाज का शोषण जुल्म अत्याचार के लिए गोल्डन दास अपना आवाज़ उठाता है, लड़ाई लड़ता है, तो ये मेरा मानवता और इंसानियत का एक नाता है। और बाबा साहब को हम मानने वाले हैं और बाबा साहब को संविधान को हम मानते हैं। और हम अगर आयरन की तरह काम करते हैं या अगर किसी भी थाना में जाकर न्याय छीनने का काम करते हैं तो हमें कोई पावर नहीं है। अगर पावर है तो हमारे बाबा साहब के संविधान में, अगर हम न्याय छीनते हैं तो बाबा साहब के संविधान के दम पर, अपने समाज के नौजवान और नौयुवक के साथी के दम पर हम न्याय छीनने का काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है पुलिस का जो दहशत समाज में है उनकी वर्दी से लोग डरते हैं, कांपते हैं और उनके सामने में आंख मिला के बात नहीं करते हैं, लेकिन आप चढ़ के बात करते हैं। देखिए ताकत कहाँ से आई? बाबा साहब के संविधान से। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा, वो किसी भी जात का, किसी भी समुदाय का हो। और बात रहा कि पुलिस से लोग डरते हैं और पुलिस के प्रति लोगों के दिल में दहशत है, तो जिसका कारण है कि वो संविधान को नहीं पढ़ा है, कानून को नहीं पढ़ा है। जिस दिन इंसान घर घर और हर बच्चा बच्चा संविधान पढ़ना शुरू कर देगा उस दिन पुलिस को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर देगा। हम पहले से बोलते आए हैं कि 96 से लेकर IPC 106 तक, यानी कि 96 से लेकर IPC 106 तक साफ बाबा साहब लिखे हुए हैं कि अगर आपको पुलिस माँ को गाली देता है तो पुलिस को आप भी माँ को गाली दीजिए। पुलिस ही नहीं, अगर कोई आम आदमी भी, अगर आप सेल्फ डिफेंस बोलिए या उसको आत्मरक्षा के लिए बोलिए, आत्मरक्षा या अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई आम आदमी हो, क्रिमिनल हो, कोई नेता हो, अगर आपको एक तबड़ाक मारते हैं तो आप भी उनको जवाब में एक तबड़ाक मार सकते हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई माँ को गाली देते रहे हम सुनते रहें, कोई हमको पीटते रहे और हम सुनते रहें। और सुभाष चंद्र बोस भी बोले हैं, टीट फॉर टाइट, ईट का जवाब पत्थर से दो। एक सवाल है, कहां से बेसिकली आप हैं और कब से इस तरह की लड़ाई में कूदे हैं? मेरा घर दास मोहल्ला, थाना नवीनगर, जिला औरंगाबाद का मैं स्थायी निवासी हूं। मैं शेड्यूल कास्ट का बेटा हूं और बाबा साहब को मानने वाला हूं। आपकी जाति को लेके लोग अक्सर सवाल करते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं, नहीं है, किस जाति के हैं? देखिए जाति का दो ही जगह जरूरत पड़ता है, एक अगर कोई कहीं नौकरी लेना है तो, या किसी स्कूल में एडमिशन कराना है तो, और फिर किसी कहाँ अगर आपका रिश्ता लग रहा है तो। लोग पूछता है कि गोल्डन दास से कौन जाति है, तो उसे पूछिए कि आप जात को मानते हैं या बाबा साहब को मानते हैं, आप किसको मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं कि जात को मानते हैं? बाबा साहब ने तो SC ST OBC कम्युनिटी बना दिया है, जात खत्म करके जमात बनाया। बोले ना कि हम शेड्यूल कास्ट के बेटा है। अगर गोल्डन दास शेड्यूल, ठीक है मान लीजिए कि बहुत लोगों के कमेंट से भी आता होगा कि गोल्डन दास चमार नहीं है, मेन कमेंट से तो भारत में तो कोई चमार नहीं है जिसका सबूत हमारे पास है। अगर भारत में कोई असली चमार होता तो मुन्ना शुक्ला जो दलित IAS के वैशाली जिला से, जो अभी RJD पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो तो खुलेआम सोशल मीडिया पर चमार को गाली दिया। कौन बिल में चमार सब घुस गया? अगर चमार कोई होता तो भारत में कोई केस नहीं करता। आपने तो किया, हमने तो किया, हमारे पास FIR भी है। अगर लग रहा है गोल्डन दास झूठ बोल रहा है तो ऑनलाइन का जमाना है भाई, आप गूगल में जाइए, ऑनलाइन FIR ऐप निकालिए और उसमें खीजर सराय थाना कांड संख्या 107/24 निकालिए, गोल्डन दास के नाम पर मुन्ना शुक्ला पर FIR किया है कि नहीं किया है, उस पर SC ST एक्ट लगा है कि नहीं लगा है। कोई फॉरवर्ड अगर केस करेगा फॉरवर्ड पर तो SC ST लगेगा? नहीं लगेगा। कोई बैकवर्ड अगर फॉरवर्ड पर केस करेगा तो SC ST लगेगा? कौन चमार आपसे पूछता है, कौन चमार कहता है कि वो चमार है, हम चमार नहीं है? SC ST मुर्दाबाद
फॉरवर्ड आरएसएस कर रहा है, वहां तुम कायर क्यों हो जा रहे हो भाई? संविधान बदल देंगे, वहां तुम क्यों हो जा रहे हो? संविधान को बदलने के बात किया जा रहा है, आरक्षण को छीनने के बात किया जा रहा है, वहां किस बिल में घुस जा रहे हो? आप बाबा साहब को मानते हैं ना? बिल्कुल। बाबा साहब को आप काम से जानते हैं या जात से? काम से। दुनिया काम। गोल्डन दास को आप काम से जानते हैं या नाम जात से? ऑब्वियसली काम से। काम से जानते हैं, तो फिर जात बीच में कहां से आया भाई? इस पे कंफ्यूजन लोगों को नहीं पालना चाहिए। लोगों को कहना है कि गोल्डन दास जात बेच रहा है, जब गोल्डन दास के जाते बेचना रहता तो चमार बन के कौन रोज पिटाई कुटाएगा, कौन गाली सुनेगा? आज के डेट में पूरे भारत के डाटा आप देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं कि सैकड़ों चमार को मावन को हो रहा होगा, कोई ऐसा दिन नहीं कि सैकड़ों चमार को नहीं हो रहा होगा, कोई ऐसा दिन नहीं है कि सैकड़ों चमार को जमीन नहीं लूटा जा रहा होगा। जो हमको बनना ही था बड़ा, तो मैं ब्राह्मण बन जाता, राजपूत बन जाता, भूमियार बन जाता, लाला बन जाता, ये चमार जात क्यों बनता, कायर क्यों बनता? बिहार में कुर्मी के नेता नीतीश कुमार, फॉरवर्ड के नेता भाजपा, पासवान के नेता चिराग पासवान, मांझी के नेता जीतन मांझी, मलाह के नेता मुकेश सहनी, चमार के कौन नेता है भाई? इस पे हम आएंगे, चिराग पासवान पर भी आएंगे, मांझी पर भी आएंगे। मैं बात कर रहा हूं ना भाई साहब, मैं भी सोचता था लड़ाई लड़ने से पहले कि चमार के नेता बिहार में आखिर क्यों नहीं है, लेकिन अब पता चला है क्यों नहीं है। चमार को नेता नहीं होने का कारण सिर्फ और सिर्फ चमार है। और ये जो यहाँ चमार पिटा रहा है तो पासवान मजा ले रहा है, पासवान पिटा रहा है तो चमार मजा ले रहा है, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी देखा जाए तो चमार और पासवान का है। जिस दिन चमार और पासवान एक हो गया ना, तो उस दिन सुनिए, के नेता ऑलरेडी जा चिराग पासवान है, तो आपके साथ क्यों आएंगे? पासवान समाज आंख मूंद के 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान को जिताता है। चिराग के पास चिराग पासवान पिटाएंगे या चिराग पासवान के जात पिटाएगा तो क्या उसमें पासवान एक्ट लगेगा या SC ST एक्ट लगेगा? SC ST एक्ट लगेगा। तो यहाँ तो शेड्यूल कास्ट हम लोग है ना भाई। ये बिहार में कम्प्लेक्सिटी रही है कि जो दलित समाज है उसमें चिराग पासवान, उनके पिताजी रामविलास पासवान जी का उभार जिस तरह से हुआ, लोग उनके साथ इंटैक्ट हुए, फिर मांझी जी के साथ खास करके जो उनके समाज मांझी समाज के लोग हैं उनके इंटैक्ट हुए क्या? और 5% तीसरे नंबर पे आबादी है रविदास समाज की, तो क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि अब इस समाज से भी नेता उभर के आए? देखिए, हर जात में नेता नहीं, हर घर में नेता पैदा होने की जरूरत है। जब तक नेता नहीं होगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज के डेट में न्याय लेने का दो ही रास्ता है, बेटा को पहला अच्छा शिक्षा दीजिए और उसके बाद वोट आप अच्छा नेता देख कर दीजिए। दामाद चाहिए अच्छा, घर चाहिए अच्छा, कपड़ा चाहिए अच्छा, खाना चाहिए अच्छा, और नेता चाहिए लड़ने। चिराग पासवान जी अभी तक समाज के लिए कितने बार जेल गए हैं? चिराग पासवान जी अभी तक समाज के लिए कितने बार लाठी खाए हैं? कितने केस हुआ है? तो भारत में फोटो को देखकर लोग प्यार करता है और फोटो को देखकर लोग वोट देता है। कमल छाप के वोट दे दिया, मोदी जी से कोई मिला आज तक? तेजस्वी यादव को लोग वोट दे दिया, तेजस्वी यादव आज तक किसी से मिले हैं? तो अब वो जमाना नहीं रहा। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी SC ST OBC या मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर पढ़ाने के लिए अगर आपको घर भी बेचना पड़े तो आप बेच दीजिए। आज अगर आप पढ़ाने के लिए घर बेच रहे हैं, अगर वो पढ़कर अगर नौकरी ले लिया तो आज आप अगर पटना में घर बेचिएगा तो कल वो दिल्ली में आपको मकान ले देगा। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा से पदाधिकारी बनता है, DM SP CO BDO जज। तो जब सब विभाग में और सब जगह पर मेरा आदमी रहेगा तो न्याय मिलेगा। बिल्कुल। और बात रहा अधिकार का, तो वोट वैसे नेता को दीजिए जो समाज के लिए लाठी खाने के लिए तैयार हो, जो समाज के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो, जो समाज के लिए गोली खाने के लिए तैयार हो, और जो समाज के लिए रोड पर 24 घंटा संघर्ष कर रहा हो। नहीं, वही संघर्ष की मैं बात कर रहा था कि कब से शुरुआत हुई, लगभग कितने थानों में आपने जाके ताला मारा है, कितना न्याय दिलाने का प्रयास किया, कितना सफल हुआ? 38 जिला में अभी तक, 30 जिला में हम थाना में ताला मार चुके हैं। 38 में से 30? 30 जिला, 5-6 जिला बचा है, बहुत जल्द मैं 1-2 महीना में वो भी पूरा कर दूंगा। और अभी तो मैं थाने ही नहीं, मैं बहुत जगह SP ऑफिस में भी ताला मार चुका हूँ। गया में DM साहब को घेरने गए, त्यागरंजन भाग गए। पटना में राजीव मिश्रा के घेरने गए, SSP साहब को, SSP साहब ऑफिस छोड़ के भाग गए। नालंदा में SP को घेरने गए, वहाँ अशोक मिश्रा SP साहब ऑफिस छोड़ के भाग गए। वीडियो देखिए ना,
वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप धारा प्रवाह धारा जो आईपीसी का एक्ट है अब तो बदल गया है, वो आपको एकदम मुजबानी याद है, आप फंसा लेते हैं, एसपी हो या डीएसपी हो सबको फंसा लेते हैं अमूमन। क्या वकील हैं, कहाँ से इतनी जानकारी आती है, कुछ बताएंगे लोगों को? हम बैरिस्टर हैं। बैरिस्टर और वकील का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं पता है, बताइए। बैरिस्टर वकील के मतलब क्या होता है कि वकील उसे कहते हैं जो भारत में एलएलबी किया हो। बिल्कुल। बैरिस्टर उसे कहते हैं जो विदेश से पढ़ाई करके आया हो। विदेश से पढ़े हैं गोल्डन दास? मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, हमारे बाबा साहब क्या थे? बैरिस्टर थे। शेर के बच्चा क्या होता है? शेर होता है। चमार के बच्चा क्या होता है? चमार। पहले राजा के बेटा क्या होता था? राजा। अभी जज के बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या बन रहा है? जज। तो हमारा बाप जब बैरिस्टर थे तो उनका बेटा हम बैरिस्टर हैं भाई, जो कि कानून को जानता है। जो कानून को जानता है, बात समझे? तो मैं बैरिस्टर हूँ, तो बैरिस्टर को से ये नहीं पूछने की जरूरत है कि कितना आप कानून कितना आप धारा जानते हैं। और बात रहा पढ़ाई का, कि बैरिस्टर वो बनता है जो पढ़ाई करता है, तो क्या शेर पढ़ाई करता है तब शेर बच्चा पैदा करता है? नहीं ना, नहीं। जानकारी के हिसाब से बाबा साहब रानी का पेट का ऑपरेशन करके मरे हैं। अब रानी के पेट से भी राजा पैदा होगा और नौकरानी के पेट से भी राजा पैदा होगा, कहीं से ही पैदा होगा। और बात रहा कि पूरे भारत में जो फॉरवर्ड लोग, जो धन बल बाहुबल, जो सामंतवादी, जो मनुवादी हैं, जो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज पर जो शोषण जुर्म अत्याचार कर रहे हैं, वो आपका न्यूज चैनल के माध्यम से अपना कान खोल के सुन ले और आंख खोल के देख ले। अगर ज्यादा मजबूर करेगा, ज्यादा परेशान करेगा, तो याद कर ले भीमा कोरे गांव की। एक सवाल आपसे रहेगा, कई लोग कई युवा नेता से मिला हूँ, एक दो बार। और भीमा कोरे गांव में इतिहास क्यों इतिहास बनाया गया था? क्योंकि भीमा कोरे गांव में भी फॉरवर्ड लोग के द्वारा शोषण जुल्म अत्याचार सीमा चरण पार कर गया था, और उससे भी पार पुनः हो रहा है। तो हमारे जो पूर्वज हैं और हमारे जो महापुरुष हैं, हम उनको मानते हैं, तो उनका इतिहास भी दोहराने हमको आता। और इतना ही नहीं, हम वैसे खानदान वैसे महापुरुष के वंशज हैं कि याद कीजिए, जालियांवाला हत्याकांड जब हुआ था तो उधम सिंह इंग्लैंड पार्लियामेंट में जनरल डायर को जाके मारे थे। अभी आप दिल्ली गए थे एससी एसटी आयोग में ताला मारने के लिए, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? देखिए, दिल्ली हम इसलिए गए थे कि पूरे भारत के आयोग सिर्फ एक ही है, और आयोग को असली औकात बताने गए थे, आयोग को जितना पावर है वो बताने गए थे, और आयोग जो गर्मी में कंबल ओढ़ के सोया था उसको हम उठाने गए थे। सोया हुआ समाज को अब जगा सकते हैं, लेकिन जो मटिया के सोया हुआ समाज है उसको अब नहीं जगा सकते हैं। तो वहाँ आयोग के चेयरमैन जो हैं मकवाना सर, उनको भी सिर्फ दो ही काम आता था, एक ट्विटर और फेसबुक पर फोटो चमकाना और दूसरा मोदी जी के जूठा पतल उठाना, तीसरा कोई काम नहीं आता था। इतना आप फाइल लेके गए थे? हाँ, 87 को मैं सबूत के साथ लेके गया था और हजारों हमको कंठस्थ था। कितने लोग हैं आप लोग, कितने लोग मिलके, कितनी टीम है? 87 जो इतना वर्क करके आपको देते हैं फाइल वगैरह हर चीज, कितने लोगों की टीम है आपको? आज के डेट में लड़ाई लड़ने के लिए ना टीम की जरूरत है और ना ही पैसे की जरूरत है। कानून की जानकारी होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए। आपके जैसे जैसे महान सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया जो हैं घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो करते हैं कि वहाँ हो गया वहाँ हो गया, आप लोग न्यूज सुनते हैं ना, तो वही हमको पता चलता है कि वो आज फलना जगह भी हुआ है, आज फलना जगह भी हुआ है। और कोई अगर भारत के मामला आपके पास, हमारे पास अभी लाखों मामला है। अब जनता दरबार भी लगाते हैं? जनता दरबार भी लगाता हूँ। जनता दरबार में 100 के आसपास मामला आया था, जिसमें बहुत ऐसे मामले थे कि कुछ फोन से भी समाधान हो गया, कुछ ऐसा मामला था कि कोई कानूनी सलाह लेने आया था उनको दे दिया गया, कुछ ऐसा मामला था कि किसी को आवेदन लिखने नहीं आ रहा था तो आवेदन लिखकर हाथ दे दिया, और जो मामला बचा है उस मामला को आंदोलन का डेट फिक्स किया गया है। बहुत जल्द सब जगह जाया जाएगा और आंदोलन करके न्याय छीन कर जो माँ जो बहन जो हमारे पिता समान जो हमारे नौजवान साथी आस और उम्मीद के साथ आए थे उनको मैं न्याय छीन कर घर तक पहुँचाने का काम करूंगा। मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि लेकिन मीडिया महोदय एक चीज और बता रहे हैं कि आप तो खैर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपको शुक्रिया धन्यवाद काम करने के लिए। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, आपसे अनुरोध है कि आप जाइए तो उनसे एक बात सिर्फ पूछिए कि भाई साहब आंदोलन सिर्फ शोषण जुल्म अत्याचार का करने से समाधान नहीं होगा, आंदोलन अब आपको रोजगार के लिए करना होगा।
आंदोलन अब आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% SC ST OBC मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए करना होगा। आंदोलन अब कलेजियम सिस्टम समाप्त करने के लिए करना होगा। आंदोलन अब कंपटीशन से जैसे IAS IPS बनता है वैसे जज को भी बहाल करने के लिए अब आंदोलन करना होगा। नौकरी के लिए करना होगा, शिक्षा के लिए करना होगा, स्वास्थ्य के लिए करना होगा, ठेकेदारी में आरक्षण का लिए आपको आंदोलन करना होगा। आउटसोर्सिंग खत्म हो। हाँ, इसलिए कि आप अगर सत्ता में भी आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आपको हेमंत सोरेन वाला दिन देखना पड़ जाएगा। हेमंत सोरेन जी को जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आदिवासी जात के कोई जज नहीं है। राहुल गांधी क्यों बरी हो गए? उनको सजा भी हुआ, सदस्यता भी छिनाया, आवास भी खाली हुआ, लेकिन बरी क्यों हो गए? क्योंकि राहुल गांधी के जात, राहुल गांधी के आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। तो जब तक हमारा जज नहीं होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तब तक अब विधायक, सांसद, मंत्री, अभी अज्ञाओं के विधायक के क्या हुआ? मनोज मंजिल जी को जेल भेज दिया गया। मनोज मंजिल जी को एक मर्डर केस था। वैसे वैसे जितने भी भाजपा के सांसद हैं सबका सबूत हमारे पास है। ब्रिजभूषण सिंह सांसद महिला पहलवान के साथ क्या कुकर्म किए, उन पर FIR भी हुआ, SC ST Act भी लगा। SC ST में 7 साल का सजा है ना, पॉक्सो भी लगा है। तो जब 2 साल में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकता है, तो ब्रिजभूषण सिंह का 7 साल में सदस्यता रद्द नहीं होगा? उनको कौन करवाएगा? उनके लिए अमेरिका से बराक ओबामा आएंगे। यहाँ के पुलिस प्रशासन और जज और सरकार यही कर रहा है, जात को देख के जेल भेजो और जात के देख के बेल दो और जात के देख कर सम्मान दो। लालू यादव को क्या हुआ? जेल पर जेल। और सेम केस में मिश्रा जी को क्या हो रहा है? बेल पर बेल। तो जात को देखकर फंसाया जा रहा है, जात को देखकर बचाया जा रहा है। और भारत का जज हो कि भारत का पुलिस हो कि भारत का कोई सरकार हो। एक आखिरी सवाल लेते हैं। एक दो बार कई एक्टिविस्ट जेल चले जाते हैं तो थोड़ा सा डर हो जाता है घर परिवार में और वो आगे लड़ाई करने से डरते हैं, तो क्या लगता है कि आप सबसे पहले आप कितने बार जेल गए हैं, क्या जेल उल से डर लगता है आपको? हम पर 64 केस है, इधर 3 केस फिर हुआ है, 67 केस हो गए हैं और पता नहीं चुपे कितना पुलिस केस किया होगा। 19 बार हम जेल जा चुके हैं और इंसान को जेल जाना चाहिए। हमको कानून कौन याद कराया? पुलिस। पुलिस इतना ही झूठा केस में हमको फंसाया और इतना ही धारा लगाया, तो धारा लगाते गए, हम पढ़ते गए और याद करते गए। अच्छा, वही ताकत है। वही ताकत है ना, पुलिस हमको पर केस करता ना, पुलिस पर हमको इतना धारा लगाता ना, हम धारा को पढ़ते ना हमको याद होता। मैक्सिमम कौन सा मामला खास मैक्सिमम जगह पे हमको? 3 चीज छोड़कर बाकी सब केस किया गया, मर्डर, चोरी और लड़की का केस छोड़कर बाकी सब केस किया गया। आराम सेट किया गया, 307 किया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया, हाफ मर्डर किया गया, सब रंगदारी का केस किया गया। हाँ, और पहले तो वो धारा लगाकर हमको याद कराया, वो धारा लगाते गए, हम पढ़ते गए, याद करते गए, प्लस में हमको जेल जो 19 बार भेजा, तो जेल में हमको फुल समय मिला, तो वहाँ हम पढ़ते गए। तो उन लोग हमको सोचा कि फंसा रहे हैं, तो नहीं, उन लोग हमको बढ़ाने का काम किया, फंसाने का काम नहीं किया, आपदा को अवसर बना लिया। हाँ, जेल में हम गए, महापुरुषों को पढ़े, संविधान को पढ़े, कानून पढ़े, अपना हक और अधिकार को पढ़े और जेल में भी हम आंदोलन किए। अब आगे क्या, सड़कों पे रहेंगे या पॉलिटिक्स में भी आएंगे, क्या प्लान है? पॉलिटिक्स में हम आएंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव हम लड़ने के मूड में नहीं थे। हमको इतना झूठा केस में सब फंसाया, क्यों फंसाया? क्योंकि बिना सत्ता के, बिना पॉलिटिक्स के अब समाज को रक्षक नहीं बन सकते हैं, समाज के लिए अच्छा क्रांतिकारी अब नहीं बन सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा क्रांतिकारी राजस्थान के सांसद राजकुमार रावत जी, उनको भी नक्सली बनाने का प्रयास किया गया और सांसद बन न गए। अब है किसी का औकात? लड़ाई आपकी जारी रहेगी, लड़ाई हमारा जारी रहेगा और अंतिम सांस तक रहेगा। चलिए, गोल्डन दास जी थे और जिस प्रकार से अपने तेवरों से ये जाने जाते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, बढ़ चढ़ के बोलते हैं, हिस्सा लेते हैं, सड़कों से राजनीति इन्होंने शुरू किया है, राजनीति नहीं ये कह रहे, संघर्ष से संघर्ष ही है। यदि आप इनके वीडियोज को देखेंगे या फिर आप सर्च करेंगे कि गोल्डन दास का क्या काम है, क्या कार्यशैली है, तो आपको समझ में आ जाएगा गोल्डन दास किस प्रकार से आयरन मैन की तरह, एंग्री यंग मैन की तरह ये सड़कों पे उतरते हैं, न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।